वही काम करने लगे जो बीजेपी कर रही थी। इस बात को SC ST मुस्लिम और ईसाई समाज ने देखा और हमारे बीच में 50,000 से ज्यादा लोगों का, ईसाई समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग आज गुरुवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उनके लिए ताली बजा। आमंत्रित करना चाहता हूं उन लोगों को जिस देश में संविधान का राज चाहते हैं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में उन लोगों को स्वागत करना चाहता हूं जिस देश में सभी धर्म के लोगों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, गरीबों को जो है रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार की बात करते हैं, गरीबों को अच्छी योजना देने की बात करते हैं, उन विद्यार्थियों को जो दिन रात मेहनत कर रहे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी देने की बात करते हैं, उनको पेपर लीक करने वाले लोगों को जेल में डालने की बात करते हैं, ऐसे तमाम लोगों का स्वागत करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करने वाली पार्टी है। आइए स्वागत है गुणवाना गणतंत्र पार्टी में, सभी धर्म को सभी बराबर सम्मान दिया जाएगा। दादा हीरा सिंह मकान जी ने कहा था मानो मानो एक समान की जो बात दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कही, उस बात को मजबूती से उठाने के लिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी आज खड़ी है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों का कि जाग जाइए, बीजेपी में सदस्यता लेने से आप सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि पल पल में बीजेपी कार्यकर्ता हर मुसलमान भाई बंधुओं को हर चौक चौराहे में मीटिंग में गाली देता है। हर एक ईसाई समाज के लोगों को यही बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हर चौराहे में गाली देने लगे। ये वही लोग है जो NRC के नाम पे, CAA के नाम पर ये लाख बार जो यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक को डराने धमकाने का काम कर रहा है। याद रखिए गुणवाना ने इस देश में 1750 साल राज किया था, 1750 साल राज किया था, और जब बुश ने राज किया था तब मुसलमान लोग भी बड़े चैन अमन से जीते थे, ईसाई लोग भी जीते थे, चैन लोग भी जीते थे, अगर जितने भी धर्म है सभी ने 1750 साल जब राजकाज चल रहा था गुणवाना का तो सबको बराबर सम्मान, सभी के धर्मों को सम्मान मिला था। लेकिन क्यों आज देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पूरे नीचे से ऊपर तक एक धर्म के बैठने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि फलाना धर्म खतरे में है। आपको बताना चाहता हूं जो लोग जो बिजनेसमैन जो नेता आज बीजेपी में जा रहे हैं उन नेताओं के पास भारी भरकम धन है, जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं उन नेताओं की कमी या उन नेताओं की कुछ कमजोरी बीजेपी ने पकड़ ली है वो जा रहा है। लेकिन मैं उस छिंदवाड़ा की जनता को कहना चाहता हूं, याद रखिए वो नेता आपका गलत हो सकता है, वो नेता आपका बिका हुआ हो सकता है, वो नेता आपका लूटखोर हो सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदार हो तो छिंदवाड़ा के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जो आपको लेकर चल सकती है, वो है गुणवाना गणतंत्र पार्टी। और जी हाँ, गुणवाना गणतंत्र पार्टी इस बार मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है लोकसभा प्रत्याशी की, मैं पूरे ईमानदारी से और मेहनत से इस बात की आपको गारंटी देना चाहता हूं कि हर वर्ग के लोगों का अगर आशीर्वाद मुझे मिला, हर एक धर्म को मानने वाले लोगों का अगर आशीर्वाद मुझे मिला तो छिंदवाड़ा के अंदर संविधान का राज होगा, गुंडा मवालियों का नहीं। छिंदवाड़ा के अंदर हर गरीब किसान का राज होगा, ये पार्टी के बैनर तले बैठे भूमाफियों का नहीं। अगर आप हमें वोट देते हो हमें जिताते हो तो हर एक स्कूलों को हम चेक करेंगे और आने वाले समय में पूरी गुणवाना गणतंत्र पार्टी आवाज उठाएगी कि स्कूलों की हालत सुधारने के लिए विधायक का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा भी वही सरकारी स्कूल में बैठ के पढ़ेगा जिस सरकारी स्कूल में बनी मजदूरी करने वाले का बच्चा पढ़ता है, तब जाके शिक्षा में स्वतंत्रता आएगी, समानता आएगी। आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, ये गुणवाना गणतंत्र पार्टी सुधार सकती है। अस्पताल में क्या हाल है देखिए, अरे ये देखिए सिंगोड़ी के अंदर एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो गई, उसका बच्चा भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, लापरवाही डॉक्टर की थी। क्या कर रहे थे आज छिंदवाड़ा मॉडल वाले कमलनाथ जी, या देखिए ये जिला अस्पताल में छिंदवाड़ा के अस्पतालों में, अरे गरीब लोग मर रहे हैं, लेकिन जब नकुलनाथ जी बीमार होंगे तो बड़े अस्पताल में जाएंगे, जब शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के लोग बीमार होंगे तो दिल्ली मुंबई में जाएंगे, जब मोहन यादव जी के परिवार के लोग बीमार होंगे तो विदेशों में इलाज कराएंगे, अरे ये गांव के लोग जब बीमार होते सरकारी अस्पतालों में जाते। लेकिन याद रखिए जिस दिन गुणवाना गणतंत्र पार्टी का सांसद बनेगा तो यहाँ के नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी जब जब बीमार होंगे तो तुम्हारे बाजू वाले बेड में सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, वो मौका आपको लाकर देंगे। बाहर से आए हुए लोग छिंदवाड़ा के अंदर 45 साल से राज कर रहे हैं और यही छिंदवाड़ा में पैदा होने वाले वो मौलवी
उनकी गुलामी कर रहे हैं और आज गुलामी की हकीकत और उस पोल को आपने खोल दिया। और आज दीपक सक्सेना जी जैसे वफादार नेता जो कमलनाथ जी के थे, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी। ये सबूत है उन जनता का कि इतने 45 साल से सिर्फ लूटने का काम उन्होंने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार छिंदवाड़ा जिले के अंदर कमान उठा लीजिए गुंडवाने का झंडा। इस बार बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है, उनके कार्यकर्ता इधर से उधर कूद रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दो, अब आरी को वोट दो। तैयार हो आप? इसलिए हम कहना चाहते हैं चलेगी आरी, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न खिलेगा फूल। क्योंकि अब आ चुके हैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी। सम्मानीय साथियों, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उन तमाम साथियों का जो आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं तहे दिल से। अरे छिंदवाड़ा जिले में 55-60% आदिवासी निवास करते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। यही आदिवासी तय करता है कि छिंदवाड़ा का सांसद कौन होगा और कौन नहीं होगा। आपके हाथ में बागडोर है कि किसको राजा बनाना और किसको भिखारी बनाना। आप लोगों के हाथ में बागडोर है कि आपकी माताओं बहनों को अच्छा अस्पताल, अच्छा आपके बच्चों के स्कूल देना है या फिर कटोरा पकड़ाना है। यह आप लोगों की एक वोट की कीमत है। लाली बहना दे देंगे, राशन दे देंगे, जूते चप्पल दे देंगे, साड़ी दे देंगे, मट्टी तेल दे देंगे, ढोलक मंजीरा सब कुछ दे देंगे। किस लिए? एक वोट के लिए। किसके लिए? अरे एक वोट के लिए तुम्हारे चरण धोके पीलेंगे, क्योंकि उनको वोट की ताकत पता है। उनको ये बात का एहसास है कि एक वोट से हम राजा बना सकते हैं। कमलनाथ जी भी वोट डालेंगे तो एक वोट, और हमारा गाँव का ढोर चराने वाला व्यक्ति वोट डालेगा तो ये संविधान की खूबसूरती है। चाहे अमीर वोट डाले, गरीब वोट डाले, वोट की कोई कीमत नहीं होगी, दोनों की वोट बराबर होगी। आप भी पावरफुल हो, आप भी शक्तिशाली हो, आपको चुनना है आपके नेतृत्व करने वाले लोगों को। क्योंकि याद रखिए, बैलगाड़ी की अगर आपके हाथ में नाथ है, अगर आपका व्यक्ति बीमार है तो आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे, और उसी बैलगाड़ी में बीमार आपके परिवार का है और नाथ किसी दूसरे के हाथ में है तो बाजू वाले दारू भट्टी में लेकर जाओगे। मतलब यही निर्णय, यही चीज मायने रखती है कि नाथ किसके हाथ में है। अगर नाथ आपके लोगों के हाथ में रहेगा तो आप संसद भवन तक जाओगे, अन्यथा दारू भट्टी के सामने रोज 10 लोग पड़ रहे थे, वहां तक पहुंचाने का काम इनने 45 साल में आपके साथ किया। समझ में आई? ये बोलते हैं आदिवासी, ये बोलते हैं आदिवासियों का विकास हुआ, छिंदवाड़ा मॉडल। अरे यही मॉडल है, देख लीजिए गाँव में जाकर। आपने आदिवासियों को, मुस्लिमों को, दलितों को, शोषित वंचितों को, ओबीसी को अलग दिशा में लेके गया। इसलिए ना उनकी सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या है, ना ही इनकी आईएएस आईपीएस इनके बन पाते हैं, और ना ही इनके जज बन पाते हैं। ये विधायक सांसद ही बनो तो उनकी बागडोर किसके हाथ में रहती? अब 3 विधायक है यहाँ छिंदवाड़ा में, सुनील उइके, कमलेश उइके, नीलेश उइके। अब मेरे को बताओ, तुम्हारा सिवनी में एक आदिवासी की चमड़ी उधेड़ रहे थे तब तीनों ही उइके ने बोले का सड़क में उतरे का? जब तुम्हारे आदिवासी भाई का नंगे लटकाक है, वो कौन बजरंग दल वाले भड़ा भड़ मार रहे थे बैतूल में, तीनों विधायक गए का? बोले क्या? काहे नहीं बोल रहे? कार्तिक नाथ को के हाथ में है, को के हाथ में है बात। इन आदिवासियों की जो नाथ है कमलनाथ के हाथ में है, इसलिए कमलनाथ इनको कहां पहुंचाते हैं? कहां? छेद गड़ा, जाओ मजदूरी करने नरसिंहपुर, जाओ भूसावल काम करने, जाओ इधर फलाना भोपाल काम करने। तुम्हारी नाथ उनके हाथ में, इसलिए तुम्हारे लड़के की एकता दुकान बता दे, मैंने कोई लिखो का कोई आदिवासी दुकान देखो, एक बार मुंडी पलटक देख लो, जब मानसरों में एकता दुकान है क्या तुम्हारी? कार्तिक तुम्हारी नाथ एत नहीं है, एत है। याद रखना, यहाँ के आदिवासी दलित, आदिवासी मुस्लिम पिछड़ो, आप लोगों की नाथ उधर केंद्र में भी बैठी मोदी सरकार किधर कर रही है? शिक्षा रोजगार तरफ कर रही है क्या? नहीं। स्वास्थ्य सुविधाएं तरफ कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो कहते कर रही है ना, धरम फलाना मंदिर, फलाना ढिकाना एनआरसी, बाहर के लोगों को लाएंगे। अरे यहीं के लोगों को तो ठीक कर लो पहले, बाहर के लोग। तुम्हारी नाक को इधर घुमा दिए, तुमको जरूरत है पानी की और तुमको दिया जा रहा है दारू, और बोलते यही से प्याज बुझा। और तुम प्याज तो बुझाते हो, साथ में अपने परिवार के सुख और दुख को भी बुझाने का काम करते हो। गलत लोगों के हाथ में नाक है,
संभल जाइए, अभी भी नहीं संभलोगे तो तुमको भटकाने का काम ये कर रहे हैं। मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ आज हमारे बीच में सदस्यता लेने वाले और जो जो लोग आज सदस्यता दिलाते हुए ज्वाइन करते हो, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय अमन सिंह पोर्ते जी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी।